नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज स्टडी अकेडमी पर। दोस्तों आज हम पीएटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2020 की परीक्षा के लिए, और ऐसा भी क्वेश्चन दोस्तों 2019 की परीक्षा में पूछे गए हैं। एग्रीकल्चर ग्रुप में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन एग्रीकल्चर से हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फूल गोभी में छोटे छोटे फुटकी के विकास को निम्न रूप में जाना जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल कट्स इन कल्टीफ्लावर इज नॉन एज डिपटेल, इनमें से कोई नहीं अंधता, बटनिंग। द आंसर इज बटनिंग, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। कोई डाउट हो दोस्तों तो कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, ठीक है, और वीडियो के बारे में भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर आप अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, रोपण की खालिस्तान विधि में पौधे से पौधे की दूरी की तुलना में पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक होती है। वर्गाकार, त्रिभुजाकार, विकर्णी, आयताकार। आंसर होगा आयताकार, रेक्टेंगुलर, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक या एक से अधिक मौसमों के लिए किसी क्षेत्र को खाली रहने देना खालिस्तान कहलाता है। सस्यावर्तन, क्षेत्र प्रति, एक धास्यन, भास्यन। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो आप इसको, ठीक है। क्रॉप रोटेशन, फील्ड फैलो, मोनोकल्चर, मल्टीपल क्रॉपिंग। सही आंसर होगा क्षेत्र प्रति, फील्ड फैलो। अगला प्रश्न है, पोटेशियम खालिस्तान के लिए आवश्यक एक प्रमुख पोषक तत्व है। सीमेंटिंग संश्लेषण, रंध्र के खुलने और बंद होने, पण हरित संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। सही आंसर होगा रंध्र के खुलने और बंद होने। पोटेशियम रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए आवश्यक एक प्रमुख पोषक तत्व है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। रबी ऋतु के दौरान गेहूं की फसल में से होने वाला खरपतवार कौन सा है? मोथा, कीनोपोडियम, इनमें से कोई नहीं, जंगली ज्वार। आंसर होगा कीनोपोडियम, कीनोपोडियम, दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कृषि में सिंचाई की कुशल सामान्य विधि कौन सी है? सतही सिंचाई, सचेतक सिंचाई, उपसतही सिंचाई, छिड़काव सिंचाई। आंसर होगा सतही सिंचाई, सरफेस इरिगेशन, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनन निवृत्ति फल है, क्लाइमेट्रिक फल है? स्ट्रॉबेरी, साइट्रस, केला, अंगूर। सही आंसर होगा केला, बनाना, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। कोक्सीडियोसिस खालिस्तान के कारण होता है, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु। सही आंसर होगा प्रोटोजोआ, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल लगाई जाती है, जब पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल लगाई जाती है तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। अनुपद सस्यन, सस्यावर्तन, द्वि सस्यन, अनुक्रमिक सस्यन। दोस्तों पहली क्रॉप आपकी कटी नहीं और आपने दूसरी क्रॉप लगा दी, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों अनुपद सस्यन, रिले क्रॉपिंग। जब पहली फसल की कटाई से पहले
दूसरी फसल लगाई जाती है तो उसे अनुपात सस्यन या फिर रिली क्रॉपिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक ही खेत में साल दर साल गेहूं की रोपाई करना कहलाता है, अनुपात सस्यन, एकल सस्यन, सस्यावर्तन, अनुक्रमिक सस्यन। आंसर होगा एकल सस्यन, मोनोक्रॉपिंग। अगला प्रश्न है, एक क्रमिक मौसम में एक ही क्षेत्र में विभिन्न फसलें उगाने को कहा जाता है, मिश्रित कृषि, बहुसस्यन, सस्यावर्तन, सहकारी कृषि, सस्यावर्तन या क्रॉप रोटेशन। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खोया में खालिस्तान दुग्ध वसा होता है। आंसर होगा इसका 30%, खोआ कंटेंट्स 30% ऑफ मिल्क फेट। कितना परसेंट मिल्क फेट होता है खोआ में? 30%। दूध में मैथिलीन ब्लू रंजक अपचयन परीक्षण खालिस्तान इंगित करता है, सूक्ष्म जीव भार, स्टार्च मात्रा, प्रोटीन विकृतीकरण, वसा मात्रा। आंसर होगा दोस्तों सूक्ष्म जीवी भार, माइक्रोबियल लोड। ठीक है, सूक्ष्म जीवी भार पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चिकनी मृदा में बहुत कम पौधे उगते हैं क्योंकि इसमें खालिस्तान कम होता है, वायु मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल मात्रा, रेत कण। आंसर होगा इसका वायु मात्रा, एयर कंटेंट, पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। पूसा नन्हा निम्न की किस्म है? पूसा नन्हा इज अ वैरायटी ऑफ नारंगी, अनानास, पपीता, केला। आंसर होगा इसका पपाया, पपीता। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूसा चेत की खालिस्तान फसल की किस्म है? गाजर, मूली, तोरई, खीरा। आंसर होगा मूली, रेडिस। अगला प्रश्न, मृदा के घनत्व को मापने की इकाई क्या है? यूनिट फॉर मेजरिंग डेंसिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की डेंसिटी को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? आंसर होगा MGM इनवर्स 3, MG पर मीटर क्यूब। ठीक है, या फिर MGM इनवर्स 3। गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? जो काउ मिल्क होता है दोस्तों उसमें कितना प्रोटीन होता है इन परसेंटेज? तो आंसर होगा इसका 3.5%, 3.50%। अगला प्रश्न है, कंगायम नस्ल को एक खालिस्तान माना जाता है। आंसर होगा इसका जुताई उद्देश्य वाली नस्ल। निम्नलिखित सभी तकनीकें घरेलू परिरक्षण तकनीक है सिवाय इसके, किसके? धूमन, निर्जलीकरण, द्विस्नेहीकरण, लवणन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा द्विस्नेहीकरण, द्रव स्नेहीकरण। ठीक है, लायोफ्लाइजेशन, तीसरा ऑप्शन सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ मैंने 30 क्वेश्चंस बताए हैं, यह हमारा PAT का पहला वीडियो था। ठीक है, जिसमें हमने 2019 से पूछे गए क्वेश्चन बताए हैं और 2020 के लिए हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू दोस्तों।